गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए न्यू व्लॉग में। तो फ्रेंड्स आज का व्लॉग भी डेली पर्पस से रिलेटेड है। और आज सुबह सुबह आज मतलब भी खाना तो खाते नहीं है, मैंने मना कर दिया खाने के लिए। बाकी हमने चलो अभी रेस्ट करते हैं, मिलते हैं हमको शाम को एक न्यू क्लिप के साथ, न्यू वीडियो के साथ। तो मिलते हैं हमको शाम को। और अभी मेरे को बहुत ज़्यादा गर्मी भी लग रही है, तो मैं जा रहा हूँ नहाने के लिए। क्योंकि मैं एक तो ये यार ये वाली जो टी शर्ट होती है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी बहुत फैलाती है यार, बहुत ज़्यादा गर्मी है इसके अंदर गाइस, टी शर्ट के अंदर मेरे। तो गाइस अभी मैं फ़्रेश हो चुका हूँ और अभी पूरे 1:30 बज चुके हैं। देखो पीछे टाइम भी दिख रहा होगा आपको, 1:30 बज चुके हैं। और अभी मैं सोया भी नहीं यार, मेरे को नींद आ रही है। तो पहले मेरे को बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, मैंने मतलब घर का खाना खाया नहीं है, मेरे को बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। तो मैं चलता हूँ बाहर कुछ खा के आते हैं, वहाँ से लेके आते हैं चिप्स जो भी है वो लेके आते हैं, खाते हैं, उसके बाद आराम करते हैं। ले आए खाने के लिए फ्रूटी चिप्स और ये खाते हैं और फिर रेस्ट करते हैं। अभी मैं मतलब उठा हूँ शाम के टाइम एकदम से, और सीधा मैंने इंस्टाग्राम ओपन किया तो वहाँ पे एक सौरव जोशी की एक स्टोरी लगी हुई थी, जहाँ पर उसने बोला भाई ने कि मैं द ड्रीम टॉयस, मेरे यहाँ से 6 मिनट का रास्ता है, जो वहाँ पर आ रहे हैं, मतलब वहाँ उसके सामने एक मतलब द ड्रीम टॉयस है। तो वहाँ पे एक कार की मतलब वो करेंगे, वहाँ से मतलब कार को लेने आ रहे हैं ना, तो कार ले रहे हैं मतलब जो भी सुपर कार, तो वहाँ से वो हाँ तो कार की डिलीवरी लेने आ रहे हैं सौरव जोशी। तो मैं तो जाऊँगा, अब मेरे दोस्त मेरे जो भाई है मतलब अपने दोस्त यहाँ पे अमन भाई भी जा रहे हैं, और मैंने उनको फ़ोन किया कि मैं भी चल दूँगा। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है मैं चल जाएँ। तो 5 बजे का है वहाँ पर, तो हम निकल लेंगे 4:30 मैंने भी रेडी हो जाता हूँ, मैं भी जल्दी से जल्दी, और फिर निकलते हैं हम भी अपने सौरव जोशी भाई से मिलने के लिए। देखते हैं मिल देंगे या नहीं मिलेंगे, देखते हैं कितनी भीड़ होगी। चलिए चलते हैं गाइस, हम हो चुके हैं रेडी और अभी जल्दी चलते हैं। और भाई बुला रहे हैं अपने अमन भाई बुला रहे हैं क्या जल्दी आ जा, फिर चलते हैं निकलते हैं। 4:30 का टाइम हो चुका है, तो चलिए चलते हैं और बिना देरी करते हैं व्लॉग को स्टार्ट। शायद भीड़ लगी हुई है। ओरे ये राधा ड्रीम टॉय। ओए ये भी तो यूट्यूबर है, ये सामने वाला। तो देखो गाइस अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो चुकी है। देखो इतना लाउड स्पीकर है जो फिर मेरे को डबलिंग करनी पड़ रही है। यहाँ पे देखो इतना ज़्यादा मतलब क्लाउड हो गया था, मतलब इतना ज़्यादा रश हो गया था। ये देखो उसके बाद तो यहाँ पे पोवी भैया भी आ चुके थे, ये सबसे ये देखो ये फ़ोटो खिंचवाए क्लिक कर रहे थे। मैं सोचा मेरे से भी करवाया, बट मेरा पहली बार था किसी यूट्यूबर से मिलना, इसलिए मैंने फ़ोटो भी नहीं खिंचवाई। तो ये देखो बहुत अच्छा यहाँ पे सुपर कार्स भी खड़ी हुई हैं, और सौरव जोशी भी अंदर ही हैं। आपको क्लिप दिखाऊंगा आपको जिसमें सौरव जोशी भी खड़े हुए हैं। बहुत मज़ा आया वैसे, और बहुत ब्लॉग को एंड तक देखना, बहुत मज़ा आया। उसने तो लिया गाड़ी, ले रहा है देखो भाई। यहाँ पे पारस भैया भी आ रखे हैं, देखो भी मैंने जूम किया है, पारस भैया भी आ रखे हैं, ये भी अपनी कार की डिलीवरी ले रहे हैं, और सौरव जोशी भी अपनी कार की डिलीवरी ले रहे हैं। खुर्दा आ गए हैं ओली। भीड़ है भाई पीछे से पीछे पूरी रोड। खोल का फोन, फोन का तो सभी का धन्यवाद पहले तो आने के लिए। तो गाइस अभी ब्लॉग हो जाता है लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने थोड़ा बहुत ज़्यादा कटिंग की है। मेरा ब्लॉग 20 मिनट्स का हो रहा था बट मैंने बहुत कटिंग की है इसमें। बारिश आई है ये देखो, बड़ा बच्चा है यहाँ पे। मैं बच्चे बच्चे हाथ उठाए और सिस्टम मिला देंगे पूरे। वो बाउंस हो जा रहे हैं। वो गाड़ी देख क्या तो इनको सपोर्ट करो, इनकी वीडियोस देखो भाई। लिंक डाल दे, लिंक भाई, लिंक डाल दे नीचे, लिंक ये हालत खराब होगी। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। सिस्टम के नीचे रहना पड़ेगा भाई। सिस्टम ये देख, वो ये देख लोगों में सिस्टम के नीचे आना पड़ेगा। सिस्टम के नीचे भाई लोग कितने का भाजी। हम सीधा अपने घर पर, वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था, बहुत ज़्यादा। और अभी मैं सीधा घर पे आ गया बिकॉज अभी मेरा मतलब वहाँ पे दिमाग ही ख़राब हो गया, घूम गया, मेरे को पता ही नहीं चला कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो बिल्कुल सटक गया भाई मैं तो वहाँ पे, पूरा पिचका गया भाई मैं तो, पूरा टूट गया भाई अंदर से वहाँ से। अच्छा वहाँ पे बाकी सिस्टम बहुत अच्छा तगड़ा चल रहा था। पारस भाई भी आ रखे थे वहाँ पे। और अभी क्या मेरे को लगता है एक सरप्राइज़ और था कि एक और यूट्यूबर आ रहा था बट वो पता नहीं यार गैसिंग, बिकॉज मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था इसलिए मैं फिर घर पे आ गया। और आज दूसरी तीसरी बार हुआ है कि मेरे सर में जैसा दर्द हुआ है। पगड़ी बंद मतलब जब पगड़ी थोड़ा टाइट बांध रखी थी ना, तो इसलिए मेरे सर में दर्द हो गया। तो चलिए कोई नहीं, हम ब्लॉग को भी यहाँ पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बाय, टेक केयर। नेक्स्ट ब्लॉग भी अच्छा है, उसको देना मत भूलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।